अपडेट ये है कि अभी तक तो हमारे पास 3 पेशेंट इलाजरत थे और एक आज और पेशेंट की एंट्री हुई है। वो 2 दिन पहले भर्ती हुई थी तो उसमें AES के कंफर्म लक्षण पाए गए हैं, इसलिए उसका रिपोर्ट हुआ है। तो अभी मेरे पास 4 पेशेंट AES के कंफर्म AES के पेशेंट हैं और चारों की स्थिति में लगातार सुधार भी हो रहा है। सस्पेक्टेड भी है क्या? हाँ, और 2 पेशेंट अभी भी सस्पेक्टेड चल रहे हैं, उसका रिपोर्ट के हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग फाइनल रिपोर्टिंग करते हैं। अभी तक कितने चमकी बुखार के इस साल मामले आए हैं? ये 12 पेशेंट अभी, मतलब जनवरी से जोड़ा जाए तो ये 12वां पेशेंट आज था, गोलू नाम का बच्चा, उसमें 2 बच्चे की डेथ हुई है। क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था है? व्यवस्था तो हम लोग 100% तैयार है। एक तो हम लोग का पीकू वार्ड तो चल ही रहा है, प्लस हमारे पास टोटल ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है। मैंने 2 महीना पहले ही BMSICL से टोटल ड्रग्स लिया है और डॉक्टर की 2 पूरी शिफ्ट में ड्यूटी रहती है। एक बार में 2 इमरजेंसी चलती है, एक फ्लोर वाइज और एक इमरजेंसी जो चलता है वो अलग से। तो हम लोग पूरी तैयारी है कि हम लोग पूरा AES को बढ़िया से हम लोग ट्रीटमेंट कर लेंगे। पिछले साल की और तुलना की बात करें तो इस साल क्या हो गया? इस साल तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आप भी देख रहे हैं कि इस बार अप्रैल में ही गर्मी बढ़ी, इसलिए अप्रैल से ही केस आना शुरू हो गए और बारिश भी बहुत कम हो रही है। पिछले साल तो लगातार अप्रैल महीना से बारिश होते होते रह गई पूरा जून जुलाई तक, इसलिए भी केसेस बहुत कम आए थे पिछले साल। और पिछले साल एक और बात है, कोरोना की जो आउटब्रेक हुई थी तो लॉकडाउन बहुत था पिछले साल, इससे भी बच्चे घर से नहीं निकलते होंगे, उसके कारण भी पिछले साल कम हुई। लेकिन इस साल जो मैं देख रहा हूँ गर्मी अभी से बढ़ रही है और बिल्कुल ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे। जब मुजफ्फरपुर एरिया की टेम्परेचर वही 38 से 40 प्लस ह्यूमिडिटी, जिसको उमस बोलते हैं हम लोग, वो 60-70% से होगी अभव तो आउटब्रेक शुरू हो जाता है। मीडिया के माध्यम से क्या कुछ अपील रहेगी उससे परिजन को जो? हाँ, ये बहुत वेलकम क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं उसके तरफ से बता दूं कि सबसे पहले बच्चे को दिन भर ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे धूप में ना खेले और संभव हो तो दिन में 1-2 बार नहला भी सकते हैं। और रेगुलर इंटरवल पर कुछ पेय पदार्थ, जैसे कि आप उसको ORS भी सप्लाई हो चुके, ORS पिलाए, नारियल का पानी पिला सकते हैं, नींबू पानी पिला सकते हैं। और रात में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भूखे नहीं सोना देना है, क्योंकि इसमें बच्चे होते हैं कि 5-6-7 बजते बजते इतना थक के सो जाते हैं कि उसी में सुबह होते होते उसको चमकी का अटैक होता है। तो ऐसे बच्चे को अभिभावक से मेरा अनुरोध है कि उठा के उसको जगा के खाना खिला के तब सोलाएं, और जैसे भी थोड़ी सी भी उसको आहट मिलती है बीमारी की, तुरंत उसको नियरेस्ट जो PSC है वहाँ पर लेके जाएं। ऐसा नहीं कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर चमकी हुआ और SKMCH में आ रहे, नहीं, पहले आप जो नज़दीक के PSC है वहाँ जाएं, वहाँ पर प्राइमरी इलाज से ही 99% बच्चे ठीक हो सकते हैं।